अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज मैं आपको इस पौधे के बारे में पूरा मालूमात और डिटेल बताने वाला हूँ। ये पौधा शायद आपने सुना होगा, जेड इसका नाम है और क्रासोला ओवटा इसका नाम है, ये दो नाम से ये चल रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक लेडीज़ का, जो चाइनीज़ लेडी थी, उसकी वीडियो मैंने सुनी थी और उसने ये कहा कि इसकी वजह से आदमी अमीर हो जाता है, इसको घर में रखने से पैसा आ जाता है, बरकत आ जाता है। फिर मैंने और रिसर्च की, क्योंकि मैं पौधों को रखता हूँ घर में, तो फिर यूरोप से एक वीडियो मिली और वहाँ से भी मुझे ये रिपोर्ट मिला कि इसकी वजह से पैसा आ जाता है, आदमी अमीर हो जाता है, उस घर में बरकत आता है। तो फिर ये मैंने इस्लामाबाद में ढूंढ कर लाया, एक नर्सरी से मिला मुझे। इतना सा देखो, ये जो मैंने पकड़ा हुआ ये शाख, इतना सा शाख मुझे गमले में काट के देखे मैं आ गया। और इसका अभी एज जो है, उम्र इसका 4.25 साल है, 4.25 साल है और इतना बड़ा हो गया अभी। तो अब बात करते हैं कि जो आपने सुना है, जो मैंने सुना है, कि आया वो सच है या झूठ है। पौधा तो वैसे रखना चाहिए घर में, अच्छा लगता है पौधे, किस्म किस्म के पौधे घर में हो तो अच्छी बात है, इस नीयत से भी रखना चाहिए कि पौधा घर में अच्छा लगता है। अब बात यह है कि वो जो लोग कह रहे हैं कि इससे लोग अमीर हो जाते हैं, तो मेरा 4.25 साल हो गया ये पौधा मेरे घर में है और मुझे ऐसा कोई असर इसमें नहीं मिला। तो मेहरबानी, आप जो बिज़नेस करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उसमें आप कोशिश करें और इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े, ये मनगढ़ंत बातें हैं। पौधा हमको कुछ नहीं मिलेगा, पौधे से हमको कुछ नहीं मिलेगा, अब हमको हमारी जॉब से, हमारे रोज़गार से और हमारी मेहनत से हमको रिज़क मिलता है। क्योंकि जब घर में पौधा रखने से अगर आदमी अमीर हो जाए तो फिर काम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैं भी घर में रखा हुआ है, मुझे क्या काम, क्या ज़रूरत है कि मैं कारोबार करूँ। तो ये बिल्कुल गलत है और ये मनगढ़ंत बातें हैं कि ये पौधा आपको अमीर बना देगा, ये आपके घर में रिज़क ज़्यादा बढ़ेगा या आपके पास पैसा आ जाएगा या आप अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों में ना पड़िए और अपना जो रोज़गार है, जो काम है, उसमें आप मेहनत करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।